चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किए थे, आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। करा इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज फोर टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म इज 17, फाइंड द एपी। मतलब कहता है यदि किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का चार गुना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जो लास्ट क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 13 में जो हम बनाए थे, जो वहाँ 72वां पद जो दो गुना था, है ना, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से बोल रहा है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद, जो तीसरा पद होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए साथ साथ में लिखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे लेट ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए हो गया, फर्स्ट टर्म बराबर ए मान लिए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस, आप डिफरेंस भी खाली डी भी बोल सकते हैं, यानी डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया, कहता है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का चार गुना है, यदि किसी एपी का, देखिए यहाँ पे, यदि किसी एपी का तीसरा पद, यदि किसी एपी का तीसरा पद प्रथम पद का, प्रथम पद कितना है, ये है, उसका कितना है, चार गुना है, तो गुना में ये हो गया। ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद का चार गुना है, ये इक्वेशन बना दिए हम लोग। आगे देखिए क्या लिखा, और छठा पद कितना है, 17, अगेन बोला और, एंड टी सिक्स इक्वल टू 17, यदि इतना होता है, यदि किसी तीसरा पद का पहला पद का चार गुना हो और सिक्स पद का यानी कि छठा पद का 17 वैल्यू हो, तो क्या ये जो संख्या बनेगा वो एपी में है या नहीं है, इस बात का हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द एपी। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, बाय द क्वेश्चन। ठीक है, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए यहाँ पर स्टार्ट है टी थ्री इक्वल टू 4a। ठीक है, जैसा कि tn, यहाँ पर tn है ना, तो tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन और डी होता है। ठीक है, ए बराबर तो पता नहीं है, एन बराबर पता है 3 और 1 हो जाएगा, और डी बराबर कितना नहीं पता है, और टी एन बराबर कितना है 4, ये इसको इधर साइड में लिख दिए, कोई दिक्कत, 4 ये बराबर, जैसे कि देखिए अगर कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो टी एन बराबर कितना है 4, ये हो गया, इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे वो ए हो जाएगा, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 डी रूट हो जाएगा, और इसक्वल टू 4 ये लिख सकते हैं ना, जो इधर बराबर बराबर का इधर है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जा सकते हैं। उसके बाद ए यहाँ पर है, ये 4 ये को इधर हम ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 4 ये, और ये 2 डी को बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 2 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, और इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 ये बचेगा और माइनस 2d बचेगा, ये माइनस और माइनस खत्म हो गया। ठीक है, और a बराबर यदि वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 2d बाय 3 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, a बराबर जो डाटा आ गया 2d बाय 3 आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे, अगेन में देखिए ये इक्वेशन है ना, तो टी सिक्स इक्वल टू 17, इसका फार्मूला पुट करिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा, टी एन बराबर 17, ए बराबर वैल्यू पता है ना हम लोग का कितना है, यहाँ पर ये है, आप इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, है ना, तो ए बराबर क्या डाटा आया है, 2 डी बाय 3 आ गया है, प्लस एन बराबर
सिक्स है और माइनस वन, और डी बराबर नहीं पता है। चलिए अब इसको 17, इसको यहाँ पर माइनस कर सकते हैं ना, 2d और 3 ऐसा इक्वल टू 5d होगा, होगा इसका बटा में 1, एलसीएम ले लेंगे 3, 1 7 17 तिया 51 और यहाँ पर 2d इक्वल टू 5d हो गया, 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा जी, 51 माइनस 2d और 5 दिया 15d। अब क्या करेंगे, 51 रहने देते हैं और 15d और ये d इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2d, 51 कितना हो जाएगा, 15d था ना ये, तो 15 और 2 17d, 51 और 17 और d 17 दिया 51, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू आपको पता हो गया, आपको पता है कि फाइंड क्या करना है जी, एपी फाइंड करना है, और एपी का हम लोग जानते हैं कि जिसका एक इक्वेशन में होना चाहिए यानी एक रूल में होना चाहिए, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक यानी एक एपी में अगर लाने के लिए जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज आर, जो फार्मूला होता है ये ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, मतलब ये एपी है, ये क्या है, एपी है। अब इसमें देखिए आपको अगर एपी का अगर फाइंड करना है, यदि एपी को फाइंड करना है तो आपको क्या क्या डाटा चाहिए, ए और डी का वैल्यू चाहिए। यदि एपी में अगर आपको फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन लाना है एपी में, तो आपके पास क्या डाटा चाहिए, ए और डी का डाटा चाहिए। तो आपको जो ये इक्वेशन दिया हुआ है बोल रहा है कि हम एपी में हैं, ये जो इक्वेशन है ये बोल रहा है कि एपी में है, तो एपी में है तो हम लोग इसके माध्यम से क्या पता करना चाह रहे, ए और डी का वैल्यू पता करना चाह रहे। ए और डी का वैल्यू पता हो जाएगा तो हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, अब पुट करने के बाद जो डाटा आएगा उस डाटा को चेक करेंगे कि हाँ ये सच में रियल में एपी में है या नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड किए और यहाँ पर आ गया डी का वैल्यू आ गया, लेकिन एग्जैक्ट आप देख रहे हो क्या ए का वैल्यू आया है, नहीं आया है, तो फिर अगेन आपको काम करना होगा। देखिए यहीं पर सामने कर देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे फिर, वैल्यू ए का वैल्यू नहीं आया है, ए का वैल्यू देख रहे इक्वेशन टाइप में आया है, डी जैसा तो नहीं आया है, क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट क्या, डी बराबर, डी बराबर कितना, 3 इन इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 में तो इक्वेशन नंबर ए बराबर क्या है, 2d बाय 3 है, हो गया, ए बराबर 2, डी बराबर क्या वैल्यू आया है, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ए बराबर 3 दुना 6 और भागा 3, 3 से काट देंगे तो ए बराबर 2, ए बराबर कितना आ गया, 2 और डी बराबर 3 आ गया, ए और डी का वैल्यू आ गया। अब हमसे जो बोला गया कि एपी में है या नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, अब पुट करेंगे दो इक्वेशन आएगा उसमें अंतर करके देखेंगे, यानी डिफरेंस करके देखेंगे, तो डिफरेंस आने करने के बाद उसमें अंतर जो होना चाहिए एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल आ गया तो कह देंगे सो द टर्म आर इन एपी, है ना, ये जो टर्म है वो एपी में है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए इसमें, देखो जी ए बराबर कितना आ गया, 2, ये जस के तस रहेगा, फिर यहाँ पर ए और डी है दूसरा इक्वेशन, यानी ये t1 है, क्या दिख रहा है यहाँ तक सभी को, t1 ये t2 दिख रहा है, करे ना नहीं दिख रहा है, ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, t1, इसको क्या कहते हैं, t2 और ये t3, ये दिख रहा है ये इक्वेशन जो लिखे फार्मूला, दिख रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए t1 बराबर यानी पहला पद, पहला पद बराबर कितना है, 2 है, और a बराबर 2 हो गया और d बराबर कितना आया है, 3 आया है, पुट कर दिए वैल्यू को, a बराबर कितना है 2, थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं
टी सिक्स बराबर कितना था, 17 था। हाँ जी, तो ए बराबर 2 और 2d, तो 2 हो जाएगा जी, और d बराबर कितना है, 3 है। अगला इक्वेशन भी निकालना चाहेंगे तो a बराबर 2 है और 3d, तो 3 और d बराबर 3, डॉट डॉट इसी तरह जाते जाएगा, हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। ये 2 हो जाएगा पहला का, 3 और 2 5, 3 दूना 6, 6 7 8, 3 तिया 9 10 11, इसी तरह ये डॉट डॉट जाता रहेगा। अब इसको देखो डिफरेंस करके, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 11 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये जो है एपी में है, तो लिख देंगे आंसर, सो द सीक्वेंस, क्या जो सीक्वेंस है ना, सो द सीक्वेंस इज एपी, है ना, सो द सीक्वेंस इज एपी। आर क्या आया है, 2, 5, 8 और 11, डॉट डॉट ये जाता रहेगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। चलिए तो इसको पिक ही करना है आप लोगों को, पिक करना है और घर से बनाना है, ठीक है, अपना से खुद से बना कर देखना है कि हम कहाँ बनाते हैं, एक बार रफ में बनाना, प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है, एक बार रफ में बना कर देखना है बना पाते हैं या नहीं, क्या पर बन रहा है, चोरी कर रही है, ठीक है बनाओ, अपने से बनाओ, अभी गलत बनेगा बताएंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर ये 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या फाइंड करने बोल रहा है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 5k, 11 आर इन एपी, मतलब जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 15 ना, वैल्यू आर इन एफ है, के है और 11 इन एपी में है, ठीक है, तो फाइंड आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना, अगर एपी में है तो के का डाटा क्या होगा, तो ये क्या होता है T1 और ये हो गया T2 और ये T3। याद रखना जब भी इक्वेशन टाइप में दिया रहेगा और कोई अगर संख्या रहेगा तो उसको T2 और T1 के माध्यम से हम उसका डाटा को पता कर लेंगे, जो मिसिंग होगा उसका पता कर लेंगे कि आखिर यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, के की जगह पर क्या होगा, तभी ना वो एपी में होगा, डिफरेंस इक्वल होगा, डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए। चलिए देखिए तो क्या होगा फार्मूला, T2 - T1 और T3 - T2, T2 कितना है के और T1 5, T3 11 और T2 के, ये के और के एक साइड में रखेंगे, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 ये जाएगा प्लस में हो जाएगा जी, 5 2 के हो गया, 11 और 5 16, के बराबर 16 और 2 2 अठी 16, के बराबर 8, है ना, तो जो दिया है सो द टर्म इन एपी, है ना, वो एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, हम लोग पिछले वाले क्लास में ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन एपी 11th एंड 16th टर्म आर 44 एंड 19 बनाए थे ना, और फिर जब अगर ऐसा ये एपी में होगा तो फाइंड करना है आपको कितना, 20 टर्म फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं और हम लोग बनाए ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 होगा, कह रहा है यदि किसी एपी का 11वां पद और
सोलहवा पद कितना है 44 और 19 है ना। तो फाइंड जो करना है आपको, फाइंड द 20 क्या होगा, कि 20 टर्म में क्या होगा। देख रहे हैं ना, जैसे मान के 11 बराबर कितना होता है 44, टी 16 बराबर कितना है 19, तो उसी तरह टी 20 बराबर कितना होगा, वाट, समझे। तो सबसे पहले इसके और इसके माध्यम जो वैल्यू पता है, पहले इसके और इसके माध्यम से पहले आपको एपी फाइंड करना है, और जब एपी फाइंड हो जाएगा तो टी 20 बराबर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके माध्यम से आपको ए और डी का वैल्यू पता करना होगा, और ए और डी में का वैल्यू जब पता कर लेंगे तो आपको पता है कि एपी निकल जाएगा, सीरीज बन जाएगा, एक तरह से सीक्वेंस निकल जाएगा, और जब सीक्वेंस निकल जाएगा तो फिर ये टी 20 भी निकल जाएगा। और ये दोनों के माध्यम से कैसे निकलेगा, दोनों के ये माध्यम से एक इक्वेशन, एक वाला से इक्वेशन नंबर 1 बनेगा और दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। दोनों को जोड़ देंगे, ए का चाहे डी का वैल्यू पता होगा, फिर एक दूसरा का वैल्यू निकलेगा तो दूसरे वाला हम जगह पुट कर देंगे, फिर वहाँ पर डी का वैल्यू आ जाएगा। यही काम हमेशा प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। देखिए बाय द क्वेश्चन से क्या बाय द क्वेश्चन में, पहला नंबर 11 इक्वल टू 44 हो गया, फार्मूला बताओ बंटी, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होगा। टी एन बराबर कितना है 44 ए, और एन बराबर 11 और डी बराबर नहीं पता है, इसको पुट करेंगे ए हो जाएगा और 10 डी होगा इक्वल टू 44 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर इसको 1 ही डायरेक्ट आप मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर अगेन नेक्स्ट है टी 16 इक्वल टू 19, टी एन बराबर फार्मूला ए प्लस 1 और डी हो जाएगा। टी एन बराबर 19 ए, एन बराबर 16 1 और डी बराबर नहीं पता है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए 16 में ए घटाएंगे तो 15 डी, और ये 19 को इधर ले आएंगे एक बार में, हो गया। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 15 डी इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर क्या लिखते हैं, बाय द इक्वेशन, बाय द इक्वेशन दूसरा में पहला को माइनस करने पर दूसरा क्या आया बंटी, ए प्लस 15 डी इक्वल टू 19 है, और पहला क्या है जी, ए प्लस 10 डी इक्वल टू 44। यहाँ पर कोई कट नहीं रहा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, ए और ये कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, प्लस और माइनस 5 डी बचेगा, और 19 और 44 में घटाएंगे तो माइनस में बचेगा ना, ये तो माइनस में नहीं बचा, लेकिन ये आपका माइनस में बचेगा, और कितना घटाएंगे तो 14 में 9 तो 5 और 3 में 1 तो 2 25 डी, और माइनस में याद रखना है माइनस में, तो माइनस 25 और 5 डी बराबर माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे, वैल्यू पुट, क्या बराबर, डी बराबर माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये आया है ए प्लस 10 डी इक्वल टू 44, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 दोनों में एक आएगा। ए बराबर तो वैल्यू नहीं आया है, डी बराबर वैल्यू आया है, क्या 10 गुने माइनस 5 इक्वल टू 44, ए बराबर प्लस माइनस माइनस और 50 44 हो जाएगा जी 44, और ये इधर प्लस में आ जाएगा तो 50 आएगा, जोड़ देंगे तो 4 और 5 4 9, ए बराबर 94 आ गया, डी बराबर माइनस 5। अब हम लोग को कैसे पता चले कि एपी में है, एपी में होगा तभी तो डी टी 20 वैल्यू आएगा जी। तो अभी हम जस्ट बताएं, क्या बताए थे,
जस्ट अभी एक फार्मूला हम बताएं एपी में लाने का, है ना। तो क्या होगा, वेन यहाँ पर लिख देंगे, वेन ए बराबर क्या आया है 94, है ना, और डी बराबर आया है माइनस फाइव। तो एपी इज आर, एक फार्मूला बताएं, ए निकलेगा, है ना, फिर ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, जहाँ तक आप जा सकते हो। ए बराबर 94, है ना, ए बराबर 94, ए बराबर 94 और प्लस है, और माइनस डी होगा, डी बराबर कितना है माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डी। यहाँ पे 94 में 5 को माइनस करें कितना बचेगा 81। चलो जी, ए बराबर 94 और प्लस है और 2 गुना माइनस 5, 94 दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, देख लो, नहीं दिख रहा है। चलो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते, ठीक है, यहाँ पर a प्लस 2d बराबर ना। अगला जो थर्ड इक्वेशन होगा t3 आप कह सकते हैं, ये t3 निकल रहा है आपका, a बराबर बोलिए यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर ना, ये आपका जो बचेगा 89, ठीक है। t3 बराबर सॉल्व करिए, a बराबर 94, ठीक है, और प्लस 2 माइनस 5, 94 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 जो ना 10 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 84 आ जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया, लिखेंगे सो द सीक्वेंस आर क्या आया है, देखो पहला आ गया 94, दूसरा आया है 89, ये वाला है ना, ये तो यहाँ पर सॉल्व कर दिए, ये वाला 89 और अगला 84, मतलब देख रहे हैं कि घटता चला जा रहा है ना, ये घटता चला जा रहा है डॉट डॉट, लेकिन घट रहा है या फिर बढ़ रहा है उससे कोई मतलब, लेकिन वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो डिफरेंस एक है या नहीं है, 89 में आप घटाओगे यानी कि 94 में इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और इसमें घटाएंगे कितना आएगा, आएगा 5, माइनस में 5 आएगा, है कि नहीं। अब अगर ये आ गया तो 100% है कि आप t20 बराबर वैल्यू फाइंड आउट ये कर लेंगे, t20 बराबर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करो, थोड़ा सा जगह हम लोग को बनाना होगा, तो एक बार पिक करो इसको, तब हम लोग t20 बराबर निकालते हैं। 2000 शेयर होल्डर एरियर थोड़ी कर रहा है, 8000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है। अप्लाइड कितना था 10000 शेयर, अलॉटेड कितना किया गया 8000 शेयर, 2000 का एडवांस हो गया, ठीक है। ओनर कितना का है, वो 8000 शेयर होल्डर का है, तो एरियर करेगा कितने के हिसाब से, 8000 शेयर होल्डर के हिसाब से, ठीक है। फॉरफिट करोगी जो वहाँ पे लिखेगी फॉरफीचर शेयर कितना 8000, एक सेकेंड रुको, देखो जी, तो सो द एपी क्या आ गया, सो द एपी इज क्या आया 94, 89, 84 इस तरह जाएगा, है ना। आपको फाइंड करना है t20 बराबर क्या होगा, t20 बराबर वाट, फार्मूला क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। tn बराबर तो नहीं पता है, फाइंड करना है आपको, a बराबर 94, n बराबर 21, d बराबर कितना याद रखना माइनस में t2, तो वही तो ना माइनस में लिखना है ना आपको, t2 माइनस t1, t2 बराबर कितना 89 और 94 घटाओगे तो माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 होगा, तो माइनस 5 हो जाएगा और 94 ये यहाँ पे घटाएंगे तो 19 बचेगा और माइनस 5, 94 ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 5 4 9, है ना, 9 पचे 45 का 5 हाथ में
चार पाँच चार नौ, 94 और 95 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन बचेगा। ये आपका T20 में जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। मतलब ये संख्या ही घटती जा रहा है ना, देख रहा है 84 पाँच पाँच का घटेगा और कितना बार, 20 बार। तो 20वां बार में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस वन होगा। आंसर देख लो इसका, ठीक है। तो आंसर ठीक है, यही होगा इसका, ठीक है। ये हम लोग का लगता है क्वेश्चन, ये हम लोग का टाइप टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइप टू जो था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग टाइप थ्री चलेंगे।